वेल, करण कुंद्रा एंड अनुषा दांडेकर पास्ट में एक दूसरे को डेट कर चुके हैं, लेकिन अब वो चीज़ पीछे रह चुकी है एंड करण से जो है अनुषा मूव ऑन हो चुकी है। इवन करण भी अनुषा से लेके मूव ऑन होके तेजस्वी के साथ बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी तक जो है अनुषा की अगर हम बात करें तो उनके सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर, उनके वीडियोज़ के ऊपर कई बार वो ट्रोल होती रहती है, उनको अलग अलग चीज़ें कही जाती है, बहुत बुरी और कभी कभी बिलो द बेल्ट भी चीज़ें कही जाती है। वेल, अब ऐसा क्या हुआ है जिस वजह से अनुषा जो है टारगेट हो रही है, अनुषा जो है ट्रोल हो रही है, बताती हूँ आपको इस वीडियो में। देख रहे हैं आप फीफा फूज, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक। वेल, अपनी बहन शिवानी दांडेकर एंड जो जीजा जी है यानी फरहान अख्तर, इन दोनों का शादी के बाद एक प्यारा सा जो है गेट टुगेदर किया गया था और वहाँ पे सारी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ राइट फ्रॉम यू नो करीना टू वी आल्सो हैड टेलीविजन के बहुत अलग अलग पर्सनालिटीज़, बॉलीवुड के भी बहुत बड़े बड़े लोग थे, जैसे कि करीना थी वहाँ पे, सैफ अली खान था, करिश्मा कपूर थी, वी हैड रिया चक्रवर्ती एज वेल ओवर देयर, और टेलीविजन इंडस्ट्री के भी लोग थे, सुहानी भी वहाँ पे मौजूद थी जो शाहरुख खान की बेटी है। लेकिन यहाँ पे इतना स्टार स्टडेड जो आफ्टर द शादी वाली पार्टी थी शिबानी एंड फरहान की, वहाँ पे जो है बहुत ही हॉट अंदाज में, बहुत ही सिजलिंग ब्लैक जो है लिटिल ब्लैक ड्रेस जो है अनुषा दांडेकर ने पहना था, थाई से जो है उनका स्प्लिट था ड्रेस का और बाल भी खुले छोड़े थे, कर्ल्स थे, शी वॉज लुकिंग रियली स्टनिंग, रियली हॉट। लेकिन कुछ फैंस जो है यू नो उसको ट्रोल करने लगे, उसे उसके बारे में भला बुरा कहने लगे, कहने लगे कि ये क्या पहन रही हो, ये तुम्हें सूट भी नहीं करता, तुम्हारी उम्र देखो, तुम्हारी उम्र को ऐसे कपड़े नहीं साड़ियाँ सूट करती है। कोई कह रहा है कि आपके सामने यू नो सभी जन जीत जाएंगे, आप सबसे बड़ी फेल हो, नो वंडर करण ने आपको छोड़ दिया। कोई कह रहा है कि तेजस्वी के सामने आप कुछ भी नहीं हो, तेजस्वी इज़ द बेस्ट, और करण कुंद्रा की एक्स ऐसा लिख के भी उन्हें जो है लाफिंग इमोजीज उनके लिए यूज़ किए जा रहे थे। ये भी लिखा कि तेजस्वी आपसे बहुत ज़्यादा प्रिटी है अनुषा, करण आप बहुत लकी हो कि आपके पास तेजा है, तेजन फॉर एवर। और कुछ जो फैंस थे वो कह रहे थे ये मरमिड का विग क्यों पहना के आई है, आंटी लग रही है। कोई कह रहा है कॉन्जुरिंग 4 में इनकी जो है कास्टिंग करनी जानी चाहिए थी। कोई कह रहा है शी करण इसे डेट कर रहे थे, करण ने इसमें क्या देख लिया था। कोई कह रहा था ये एनिमल की जो भूत है उस तरह दिखती है। कोई कह रहा है काफ़ी बुढ़ी दिखती है, इसे कौन ही देखेगा। कोई कह रहा है कि इसके जैसा कोई पर्सन मैंने लाइफ में नहीं देखा, कितनी भद्दी दिखती है। ऐसे तरीके के जो कमेंट्स हैं, मीन कमेंट्स आ रहे हैं अनुषा दांडेकर पे। उनका कुछ वीडियो जो है शादी का, पोस्ट शादी जो मैरिज पार्टी थी वहाँ का वायरल हो रहा है एक किसी न्यूज़ पोर्टल पे, और यू नो अलग अलग जो पैपराजी अपने फोटोज़ और वीडियोज़ लेते हैं और अपलोड करते हैं, टैग करते हैं इंस्टास को, वहाँ पे भी नीचे जो है अनुषा को टारगेट किया जा रहा था। वेल, हम तो आपसे यही कहेंगे कि अब जो है कुछ लोगों ने इस बात को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि लाइफ में अनुषा मूव ऑन हो चुकी है, करण भी मूव ऑन हो चुके हैं, तेजस्वी के साथ बड़े खुश हैं, तो आप जिन्हें ट्रोल कर रहे हो उन्हें ट्रोल आपने नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जिनके फैंस हो आई एम वेरी श्योर उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी कि आप किस तरीके से किसी लेडी को, किसी वुमन को, वुमन तो छोड़िए किसी भी ह्यूमन बींग को, किसी भी पर्सन को इस तरीके से यू नो बुरी चीज़ें कह रहे हो, मीन चीज़ें कह रहे हो, ट्रोल कर रहे हो। सो ये गलत है और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। भाई कुछ लोग वहाँ पे ज़रूर मेंशन करते थे कमेंट्स में कि प्लीज़ ऐसे भद्दे कमेंट्स किसी के लिए ना करो, ये सब यू नो आप पे जचता नहीं है। ऐसे भी कई लोगों ने जो है ट्रोलर्स को रोकने की कोशिश की है, बट एज यू नो ट्रोलर्स किसी के सुनते नहीं है, बट हम भी हमारी ओर से कोशिश कर रहे हैं कि किसी को भी बुरे लाइट में मत लाइए, किसी को भी बुरा मत बोलिए, हो सके तो अच्छा बोलिए, क्योंकि लाइफ में एवरी वन हैज़ मूव्ड ऑन और हर एक जन अपने अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा खुश है, और बस आप जिनसे प्यार करते हैं उनसे प्यार करते रहिए, लेकिन किसी के पास्ट को लेके कुछ मत बोलिए, बिकॉज हर एक इंसान का पास्ट होता है। क्या है आपको इसके ऊपर कहना नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आई सी यू गाइस सून, तब तक के लिए बाय बाय।